नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। हमने आप लोगों के साथ एक श्रृंखला आरंभ कर रखी थी जिसमें सप्ताह के 7 वारों के भीतर यदि व्यक्ति का जन्म 28 नक्षत्र में से, यहाँ 27 नहीं अपितु 28 नक्षत्रों की चर्चा है, उन 28 नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसके आधार पे जो आनंद आदि योग बनेंगे और उससे आनंद आदि योगों से किस प्रकार से फल की प्राप्ति होगी, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए रविवार हमने आप लोगों के साथ साझा कर लिया है, सोमवार आप लोगों के साथ साझा कर लिया, आज हम करेंगे मंगलवार भौमवार के भीतर 28 नक्षत्रों में व्यक्ति का यदि जन्म हुआ, 28 अर्थात अश्वनी से लेके और रेवती तक किस नक्षत्र में उससे व्यक्ति का जन्म है और उस नक्षत्र से जो तात्कालिक योग या आनंद आदि योग बनेंगे उसका जीवन में क्या प्रभाव रहेगा एवं उससे किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है, आज हम करेंगे मंगलवार एवं 28 नक्षत्र। मंगलवार के भीतर योग जो पूर्व चर्चा में हमने आप लोगों के साझा किए थे, योग वही रहेंगे, केवल वार के साथ विभिन्न नक्षत्रों में योगों का क्रमांक बदल सकता है, अर्थात आज हम कर रहे हैं मंगलवार के साथ में जुड़े हुए 28 नक्षत्र। मंगलवार पहला नक्षत्र अश्लेषा। मंगलवार के भीतर यदि व्यक्ति अश्लेषा नामक नक्षत्र में जन्म लेता है तो आनंद नामक योग का निर्माण होता है। पूर्व चर्चा में हमने कहा था आनंद देने वाला योग है। मंगलवार के भीतर यदि मघा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है तो कालदंड नामक योग का निर्माण होता है जो अचानक से कभी कभी थोड़ी आपदाएं भी लेके आता है, कभी थोड़ी सख्ती भी दिखाता है। मंगलवार के भीतर यदि व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के भीतर है तो धूम्र नामक योग का जन्म होता है जो थोड़ा सा विचारों में धूमिलता लेके आता है, स्पष्टता में कमी दिखाता है। मंगलवार के भीतर यदि उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म है, प्रजापति निर्माण करने वाले लोग होते हैं। मंगलवार के भीतर यदि हस्त नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म है तो ये सौम्य नामक योग कहलाता है, शुभ है, सज्जन है और सौम्यता इसके भीतर भरी रहती है। मंगलवार चित्रा नक्षत्र ध्वांश, इनकी वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है या इनका कहा गया कही गई बातचीत थोड़ी लोगों को चुभ सकती है। यदि आक्रामक जनप्रतिनिधि हैं तो बहुत ही अच्छा है, किंतु यदि कहीं इनकी वाणी के कारण से किसी को चोट ना पहुंचे इसलिए थोड़ा सा संयम रख के बात करें। मंगलवार एवं स्वाति नक्षत्र, मंगलवार स्वाति नक्षत्र ध्वज है। देखिए वार मंगल है और नक्षत्राधिपति ग्रह, मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ नक्षत्राधिपति ग्रह, यहाँ देवता नहीं कहा मैंने, वो राहु है लेकिन फिर भी ध्वज नामक योग का निर्माण कर रहा है, अर्थात कीर्ति पताका दूर दूर तक प्रसिद्ध होगी। इसी प्रकार से मंगलवार और विशाखा नक्षत्र श्रीवत्स, भगवान विष्णु के जो पक्ष छाती पे पड़े हुए चिन्ह हैं वो श्रीवत्स के रूप में शास्त्र कहता है, अर्थात लक्ष्मीपति होंगे। मंगलवार और अनुराधा नक्षत्र वज्र नामक योग, अचानक से जीवन में चमक भी आ सकती है और वो चमक कहीं ना कहीं प्रकाश कहीं ना कहीं व्यक्ति को समस्याएं भी दे सकता है। कई बार आप ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति अचानक से प्रसिद्धि पा रहा है और उसकी प्रसिद्धि ही उसके लिए कई बार हानिकारक हो जाती है, इसीलिए प्रसिद्धि होना भी आवश्यक है किंतु अत्यधिक प्रसिद्धि भी कई बार व्यक्ति के जीवन में हानिकारक होती है। और जब कोई भी व्यक्ति के साथ उसके समर्थक बढ़ेंगे तो उसकी विचारधारा के विरोधी भी बढ़ते हैं, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे मंगलवार अनुराधा नक्षत्र वज्र नामक योग अर्थात आसमानी बिजली, अचानक से जीवन में चमक भी आ सकती है और अचानक से जीवन में आपदाएं भी बढ़ सकती हैं। मंगलवार ज्येष्ठा नक्षत्र मुद्गर योग, जैसे पहले भी बताया एक
व्यायाम करने का, कसरत करने का उपकरण है, जिससे कि जो व्यायाम करने वाले मल्ल योद्धा हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों के पास ऐसा उपकरण रहेगा जिससे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, अपना शरीर, अपना तन बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ आकर्षक बना सकें। मंगलवार एवं मूल नक्षत्र छत्र योग, राजा की कृपा, राजा की छत्री इसके ऊपर बनी रह सकती है, राज परिवार में संबंध हो सकते हैं। मंगलवार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मित्र नामक सूर्य योग, अर्थात बड़े व्यक्तियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और मित्र उच्च अधिकारी बनेंगे। मंगलवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, यदि मंगलवार है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मानस नामक योग, भवसागर को तारने वाला मान सरोवर कहा गया है, अर्थात लोगों की समस्याओं को निपटारा कर सकता है, लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। मंगलवार एवं अभिजीत योग, अभिजीत नक्षत्र, हमने वार्तालाप के चर्चा के प्रारंभ में ये कहा था, यहाँ 28 नक्षत्रों की विवेचना है, इस कारण से ये योग बहुत विशेष हो जाते हैं। अभिजीत यद्यपि बहुत ही छोटा सा नक्षत्र खंड है, लेकिन इसकी महत्ता बहुत अधिक है। तो यहाँ पे मंगलवार और अभिजीत नक्षत्र, ये पद्म नामक योग कहलाता है, अर्थात जो कमल है, कमल का पुष्प है, वही पद्म है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लक्ष्मीपति होंगे और संसार के अंदर वैभवता, प्रसन्नता, विलास, आमोद प्रमोद जीवन में बना रहेगा। मंगलवार एवं श्रवण नक्षत्र लुम्बक नामक योग कला है, जैसे मैंने बोला था कि एक प्रकार का हथियार भी है और एक जगह इसको सिंह की पूंछ भी कहा गया है। मूलतः इसका ध्यान रखना चाहिए, ये एक घातक या हानि देने वाला हथियार है, जिस व्यक्ति के हाथ में होगा उसका लाभ भी उठा सकता है और कहीं इसके दुरुपयोग से जनता को, व्यक्ति को, खुद को हानि भी पहुंच सकती है। मंगलवार एवं धनिष्ठा नक्षत्र उत्पात, मंगलवार पति और धनिष्ठा अर्थात नक्षत्र के विंशोत्तरी ग्रह दशा स्वामी, जो स्वयं मंगल है लेकिन योग क्या बनाया, उत्पात अर्थात उपद्रव भरे रह सकते हैं, जीवन के अंदर कुछ ना कुछ उठा पटक रहेंगे। किसी ने पूछा यदि यही योग प्रारंभिक स्तर में देखने चाहिए तो कैसे, यदि यही योग किसी बालक की जन्म पत्रिका में है तो देखिएगा बड़ा ही ज़्यादा नटखट होगा, अपनी चीज़ों को कभी इधर से उधर, चंचलता भरी रहेगी, वो चंचलता आगे चल के उपद्रव ना बन जाए, इसीलिए ऊर्जाओं को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है। मंगलवार एवं सत्विषा नक्षत्र, अभी एक नक्षत्र के विंशोत्तरी दशा स्वामी राहु जब मंगलवार के साथ जुड़े तो बड़ा मोहक योग बनाया, सुंदर योग बनाया, किंतु दूसरा नक्षत्र सत्विषा जब मंगलवार के साथ जुड़ा तो योग मृत्यु नामक योग बना, अर्थात इनके कार्य बहुत देर तक स्मृतिवान नहीं रखे जा सकते हैं, ये कोई काम करेंगे तो जल्दी ही भुला भी दिए जाएंगे, ऐसा कार्य करें इससे जिससे कि मन को पीड़ा ना हो कि मेरे कार्य लोग भुला देते हैं। तो इस प्रकार के कार्य करें भी क्यों, जिसके मन में, आपके मन में ये लगा रहे कि मुझे लोग देर तक स्मृति में रखें, ऐसा ही कार्य कीजिए कि मेरा कार्य करना लोग याद रखें, स्मृतियों में रखें तो बहुत ही अच्छा है, ना रखें तो वो उनका, मेरे भाग्य और मेरे ईश्वर का आशीर्वाद है। इसी प्रकार मंगलवार और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र काण नामक योग बनाता है, पहले भी कहा था एकांकी और एक दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात दृष्टिकोण के अंदर व्यापकता नहीं है, इधर भी देखें उधर भी देखें, मूलतः एक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। मंगलवार उत्तराभाद्रपद नक्षत्र सिद्धि नामक योग बनाता है, कार्यों के अंदर परफेक्शनिस्ट या निपुणता विशेषता बनी रहेगी। मंगलवार एवं रेवती नामक नक्षत्र शुभ नामक योग, शुभता भरी रहेगी कार्यों के अंदर। मंगलवार और अश्वनी नामक नक्षत्र अमृत नामक योग बनाता है, एक में एक नक्षत्र के दशा विंशोत्तरी दशा स्वामी राहु जहां मृत्यु नामक योग बना और एक
नक्षत्र के विंशोत्री दशा स्वामी केतु, जहाँ पे अमृत नामक योग बना, अर्थात इनके कार्य देर तक दूर तक स्मृतियों में रखे जाएंगे। ये कोई काम करेंगे तो इनका कार्य दूर तक पहचान में रहेगा। साथ ही साथ ये अगर किसी को परामर्श देंगे तो उस परामर्श के कारण से उन व्यक्ति को भी बहुत लाभ होगा। मंगलवार भरणी नक्षत्र, मंगलवार और भरणी नक्षत्र में मुसल नामक योग बन जाता है, अर्थात किसी भी चीज़ को कूट कूट के अपने दुनिया के सामने कुछ नई बातें ले आएंगे। एक प्रकार का जो रसोई घर के अंदर रखे जाने वाला पुराने समय में एक यंत्र कह लीजिए, पात्र कह लीजिए, जिसके भीतर मसालों को कूटा जाता था। मंगलवार एवं कृतिका नक्षत्र ये गद्य नामक योग का निर्माण करता है। थोड़ा सा रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार एवं रोहिणी नामक नक्षत्र मातंग नामक योग का नक्षत्र योग कहलाता है। मंगलवार और रोहिणी नक्षत्र मातंग हाथी है, इसकी जो चाल है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है और बड़े वाहन रह सकते हैं व्यक्ति के पास। मंगलवार एवं मृगशिरा नामक नक्षत्र, मंगलवार और अपने ही विंशोत्री दशा स्वामी का नक्षत्र भी, अर्थात वार भी मंगल है और ग्रह स्वामी भी मृगशिरा के, यहाँ पे हमने ग्रह स्वामी बोल रहा हूँ, विंशोत्री दशा स्वामी, वो भी स्वयं मंगल ही हैं, लेकिन योग बनता है थोड़ा सा क्लिष्ट, अर्थात यहाँ राक्षस नामक योग का निर्माण होता है। राक्षस के आचार्यवर दो शाब्दिक अर्थ बताते थे, जो अपनी रक्षा करना चाहते हो रक्षति रक्षतम, और जो कभी अगर रुष्ट हो जाए तो उसकी प्रवृत्तियाँ हिंसक भी हो सकती हैं। यहाँ पे समतुल्य समानता की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। मंगलवार एवं आद्रा नक्षत्र चर नामक योग का निर्माण होता है, चंचलता भरी रहेगी, विचारों में अदलता बदलता व्यवहार बना रहेगा। मंगलवार एवं पुनर्वसु नामक नक्षत्र स्थिर, पहले में चर था इसमें स्थिरता है, विचारों में अडिग हैं स्थिर हैं ऐसे ही बने रहेंगे। मंगलवार एवं पुष्य नामक नक्षत्र वर्धमान नामक योग का निर्माण होता है, अर्थात निरंतर वृद्धि करने वाले होते हैं। देखिए यदि शास्त्र को शास्त्र की तरह से अनुग्रहित किया जाए, उसको श्रवण किया जाए, उसको पठन किया जाए तो बहुत ही रोचक और बहुत ही अद्भुत ज्योतिष के आयाम निकल के आते हैं। एक पीछे एक बालक की जन्म पत्रिका, क्षमा कीजिएगा चर्चा थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन आप लोगों के पास इसलिए जिससे आपका हमारा विश्वास और अधिक बली हो। एक बालक की पत्रिका देखने को मिली और उसमें बालक गणमूल नक्षत्र में वह बालक का जन्म हुआ था। मुझे अभी याद नहीं है, स्मृति में नहीं है कि कौन सा गणमूल नक्षत्र था। जब गणमूल के चार चरण होते हैं, किसी चरण में कभी कभी हानिकारक भी होता है, या ये कहें उसकी परिभाषा हानिकारक के रूप में लिखी है, और किसी किसी चरण में बहुत लाभ भी लिखा हुआ है, उस चरण का फल शास्त्र के भीतर स्वयं के लिए और पिता के लिए स्थिरता ना दे, इस प्रकार से वर्णित था। यदि इस परिभाषा को डिकोड किया जाए, सुलझाया जाए, समझा जाए तो इससे परिणाम क्या निकलता है। उस परिभाषा के अनुसार मेरा एक प्रश्न मन में उमड़ा कि जिस बालक की यह पत्रिका है उनके संदर्भ में इस रहस्य के बारे में थोड़ा पूछ भी लेना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि इनके जो पिता हैं उनके जीवन में स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर कितने हुए, और ये स्वयं जो बालक है इसकी विचारों में अदलता बदलता कितनी है, बड़ा सकारात्मक और अद्भुत उत्तर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा इनके पिता एक वित्तीय बैंकिंग संस्थान में काम करते हैं, बैंक के भीतर काम करते हैं, और जीवन में ट्रांसफर स्थानांतरण बहुत हुए, कभी इस शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीखे। मैंने कहा यहाँ शाखा से भी ज़्यादा मुझे ये बताइए
क्या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी हुए? तो उन्होंने कहा हाँ, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी लगभग लगभग 3 से 4 इनके जीवन काल में, अब तो वर्तमान समय में वो सेवानिवृत्त हैं, लेकिन 3 से 4 इनके ट्रांसफर हुए, स्थानांतरण हुए। इससे अगला प्रश्न, क्या बालिका बालक के मन में भी इसी प्रकार के विचार हैं? उन्होंने कहा इनके साथ जो एक परिपक्वता में कमी नज़र आती है, ये भी बहुत ही जल्दी अपने व्यवसाय को, कार्य को, पद्धति को, जीवन शैली को बदलना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं। अब यहाँ से अर्थ क्या निकलता है कि हर तत्व अपने आप में पूर्णतः काम कर रहा है, केवल उसे समझने की ज़रूरत है, उपहास की ज़रूरत नहीं है, उपहास की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है जो वस्तुएं आज हम नहीं समझ पा रहे हैं वो कल को हमें ऐसा प्राप्त हो कि हमने इसको सुना और समझा क्यों नहीं। एक चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थी से वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनसे पूछा जो प्रथम वर्ष होता है, द्वितीय वर्ष होता है, उसमें बहुत सारा विषय पढ़ाया जाता है, तो क्या ये सभी विषय काम में आने वाला है? उन्होंने कहा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सीमित दृष्टिकोण पाठ्यक्रम है, किंतु जब हम आगे जाके व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग करते हैं और किसी रोग की, व्याधि की जटिलता तक, गूढ़ता तक पहुँचना हो, तो जो ये विषय आज पढ़ लिया है, अनुग्रहित कर लिया है, ये उस समय काम आता है। अर्थात जीवन में कोई भी विषय, यदि ग्रंथ है, शास्त्र है, वो लिखा हुआ है, तो कार्य करता ही है। हमारा सूक्ष्म ज्ञान उसको ग्रहण करे या ना करे, ये बिल्कुल भिन्न विषय है, किंतु शास्त्र का। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैंने पीछे किसी एक विद्वान ज्योतिषाचार्य का यह व्याख्यान देखा कि गण मूल नक्षत्रों से क्या प्रभाव पड़ता है और इसकी सार्थकता गोपनीयता के आधार पर, मैं किसी के जन्म पत्रिका को इसमें साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने, मैं सर्वप्रथम इसीलिए मूलतः एक एक पक्ष को देख के जन्म पत्रिका विचार के ऊपर बढ़ने का प्रयास करता हूँ। ऐसा मेरा उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं, उस पर संवाद करते हैं, उत्तर देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, उनके भीतर भी इस तरह की परिपक्वता, निपुणता आए, जिससे वो भी एक अच्छे परामर्शदाता बन सके। ज्योतिषविद बनना, मैं तो ज्योतिषविद नहीं हूँ, मैं तो केवल परामर्श करता हूँ और पाठ्यक्रमों को पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन उनके लिए ये लाभकारी रहेगा। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। बीच में आने वाली अवांछनीय ध्वनियों के लिए क्षमा चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल एक सार्थक कार्यक्रम, जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो यदि वो जानकारियाँ आपको उचित लगती हैं, उचित प्रतीत होती हैं और उनसे आपको लाभ मिल सकता है, तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे मन में ये एक भाव आए कि आप हमें हमारा अपना समर्थन दे रहे हैं। और कार्यक्रम को जितना आपको उचित लगता है यदि पूरा देखेंगे तो बहुत ही लाभकारी रहेगा, और यदि उसको किंचित मात्र भी देखते हैं तो भी अच्छा रहेगा। इसमें आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हमारा मनोबल, आत्मबल और आगे अच्छे कार्यक्रमों के लिए बढ़े। एक समय के उपरांत जैसे ही हमारी ये धरातल ज्योतिष का पूरा हो जाएगा, तो फिर जन्म पत्रिका आप लोगों से ही विवरण लेके और उसको आप लोगों के साथ ही साझा करके हम किस प्रकार से उस पर रहस्य उद्घाटन कर सकते हैं वो देखने का प्रयास करेंगे, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। चैत्र पक्ष नवरात्रि की आज अष्टमी है, कल नवमी, रामनवमी का पूजन होगा और उसके उपरांत नए कार्यक्रमों का प्रारंभ बना रहेगा।